हेलो दोस्तों, हमारे एक मित्र रोहित गायकवाड़ ने जानना चाहता है कि HP MFP1136 में स्कैन किस तरह से करते हैं। मैंने कहा चलिए इसी पर एक वीडियो बना देते हैं। इसका पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया, इसमें फ्लैट बेड स्कैनर होता है, ये स्कैनर का ग्लास और ये इसका कवर। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये स्कैन आपका कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल में भी कर सकता है, लेकिन प्रिंटआउट सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट निकालता है। लेज़र प्रिंटर है। सबसे पहले इसको आप कनेक्ट कर लीजिए अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से, और उसके बाद USB पोर्ट के थ्रू और पावर इसका ऑन कर दीजिए। जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया अपने डेस्कटॉप से और इसके साथ ही इसका पावर ऑन कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है, ये 1.5 मिनट लेता है वार्म अप होने में। तो इस तरह से इसका बटन, पावर बटन ऑन कर दीजिए, लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो जाएगी। जब स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पर तैयार हो जाएगा प्रिंटर हमारा। और जहाँ तक स्कैनिंग का सवाल है, तो कोई भी एक पेपर हमारे पास जो पड़ा हो, मैं देखता हूँ हमारे पास आसपास कौन सा पेपर पड़ा हुआ है। बहुत ही बढ़िया प्रिंटर है ये, स्टडी और ड्यूरेबल। ये मुंबई मिरर का पेपर है मेरे पास, तो चलिए इसका बीच का पेपर जो है ये, इसको मैं स्कैन करता हूँ। और ये बता दूँ आपको, इसमें A4 साइज तक का पेपर ही आप स्कैन कर पाएंगे। तो जितना पोर्शन आपको स्कैन करना है उतना इसके ग्लास के ऊपर रख दीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं साइज फोल्ड कर लेता हूँ, और फोल्ड करके इसको रख देता हूँ फ्लैट बेड स्कैनर के ऊपर, और ऊपर से इसका कवर बंद कर दूंगा ताकि लाइट ना पड़े और प्रॉपर स्कैन हमारा हो सके। ये मैंने फोल्ड किया और इसको अब इसका कवर ऊपर से बंद कर देते हैं। इसके बाद डेस्कटॉप या लैपटॉप पर आप अपना कंट्रोल पैनल खोल लीजिए, और कंट्रोल पैनल में डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स पे चले जाइए। विंडोज 10 होगा तो सारे सॉफ्टवेयर आपके पड़े होंगे इसमें ऑटोमेटिकली। मेरे पास विंडोज 8 है, इसमें भी होगा सॉफ्टवेयर। नहीं हो तो आप CD से डाल सकते हैं या वेबसाइट डाल सकते हैं। यहाँ देखिए, इसने डिटेक्ट कर लिया MM1136 MFP। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक अपने माउस से करेंगे, राइट क्लिक करते ही इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें स्टार्ट स्कैन, स्कैन प्रोफाइल, ये सब ऑप्शन आ जाएंगे। तो स्कैन प्रोफाइल में आप डिफॉल्ट चूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली ले लेगा वो कैसे स्कैन करना है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं। तो आप स्टार्ट स्कैन पर क्लिक कीजिए तो एक ये इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने, और इसमें सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि आप कितना DPI डॉट्स पर इंचेस ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा फाइन आएगा स्कैन, 300 से 600, या डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल लेंगे तो मैं कलर करना है तो कलर लेते हैं, या ब्लैक एंड वाइट या ग्रे स्केल जिसमें आप चाहें कर सकते हैं। इसके बाद ही 300 DPI ले लेते हैं, और फॉर्मेट BIT या JPG या किस फॉर्मेट या PNG, जिस फॉर्मेट में आप स्कैन करना चाहते हैं वो फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से DPI सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप इसका पहले प्रीव्यू भी देख सकते हैं। तो बेटर है आप पहले प्रीव्यू देख लें। प्रीव्यू के बटन पर क्लिक कीजिए राइट साइड में, यहाँ तो चेक करना पड़ेगा प्रोफाइल में जाके, अदरवाइज आप राइट में नीचे यहाँ प्रीव्यू लिखा हो, प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए। तो प्रीव्यू में पहले आपका प्रिंटर स्टार्ट हो जाएगा और लाइट ब्लिंक करनी शुरू कर देगी, और फाइनल स्कैन के पहले आपको दिखा देगा कैसा स्कैन। ये जैसे स्कैन आ गया, अगर आपको स्कैन पसंद ना आए आप कैंसिल करके दोबारा कर सकते हैं, रीस्कैन कर सकते हैं। और यहाँ से आप क्रॉप करके इमेज कितनी चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ चूज़ कर लेता हूँ, मुझे जितना पोर्शन चाहिए उतना मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, एरिया कम कर देता हूँ, जितना आवश्यक है उतना ही ले लेता हूँ। तो इसके साथ ही यहाँ से जब आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। इसके साथ ही हमारी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत जल्दी, आसान है, कोई भी कर सकता है। आप एक बार देखिए वीडियो को और आसानी से आप स्कैन कर सकते हैं। दस से 12 सेकंड में स्कैन हो जाएगा आपका 300 DPI पे।
स्कैनिंग भी फास्ट है। अभी इंपोर्ट करने को बोल रहा है तो जिस फोल्डर में आप देखे, आप फोल्डर चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, या जो फोल्डर दिखा रहा है वहां पर इसको इंपोर्ट कर लीजिए, तो फाइल आपकी डेस्कटॉप में या लैपटॉप में उस फोल्डर में आके सेव हो जाएगी। ये सेव हो गई, इसके साथ ही ये फोल्डर खुल गया हमारा। यहाँ पर आप इसका रिव्यू देख लीजिए, प्रीव्यू देख लीजिए कैसा आया स्कैन। अब ये देखिए, अब आप इसको रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने रोटेट कर लिया तो प्रॉपर जैसा मैं स्कैन चाह रहा था वैसा स्कैन हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कितना आसान है इस MFP 1136 HP से स्कैन कर पाना। तो रोहित भाई, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और सभी वो लोग जिनको स्कैनिंग में दिक्कत होती है, इस वीडियो को देख के आसानी से आप स्कैन कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी पेपर कर सकते हैं और अपने स्कैनर का यूज़ कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया स्टडी प्रिंटर है, तो अगर आपको ये प्रिंटर है आपके पास, आप इसे सीख भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ये मेरा पसंद आया हो, छोटा सा वीडियो है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारे इस तरह के वीडियोज़ लाता रहता हूँ, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, क्या मेरे वीडियोज़ आपके लिए पसंदीदा हैं, आपको किसी काम आ रहे हैं काम नहीं आ रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी इसको शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को जानकारी हो सके। और आज का वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस उम्मीद से बनाया पूरी हो जाएगी, और आप सभी इसका उपयोग उठाएंगे। इसी तरह से आप किसी अन्य प्रिंटर या मल्टीफंक्शन डिवाइस से अपने पेपर स्कैन कर सकते हैं। तो आज का